हेलो एवरीवन, सो गाइस आज के वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ जो छोटी आइडल्स नहीं आ रही थी, ये देखिए ऊपर कस्टम में वो आ गई है एज ए कस्टम ब्लॉक। तो गाइस सिंपली बहुत इसका सॉल्यूशन हमको मिल गया कि जो आपका वर्जन है माइनक्राफ्ट का, ठीक है, वो 1.18 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर बीटा भी होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो वर्जन है ना, ये 1.18 के ऊपर वाला है, तो यस इसमें ही आएगा। बाकी एड ऑन जो है वो सिमिलर ही है, तो और कोई डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्पॉन करके दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए दगड़ू शेठ गणपति बप्पा है, वो भी है, तो वो भी दिखा रहा हूँ। वेल ये पिलर भी बहुत काम की चीज़ है, ये देखिए। तो चतुर्भुज रूप एंड परफेक्टली क्रिएटेड। वेल गाइस बता दो, ये एड ऑन है बाय MS गेमिंग, तो उसके चैनल की भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ या चेक करो, सब्सक्राइब करो, काफ़ी अच्छा एड ऑन बनाया है। ये दूसरे गणपति बप्पा है मूषक के ऊपर, तो जो जो नया आया है और जो पुराने में मैंने नहीं दिखाया था वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मूषक राज जी स्पॉन करते अपन, चलो डायरेक्शन का इश्यू है तो इस तरफ घूम जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए मूषक राज जी तो थे ही पहले के एड ऑन में भी। वेल जो और भी चीज़ें आई है वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको स्पॉन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड शिवा, महाकाली माँ एंड छोटी छोटी आइडल्स जो पिछली बार मैंने नहीं दिखाई थी वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे महाकाली माँ, ये छोटी आइडल, बड़ी आइडल तो वेल आपने देखा ही था पहले के एड ऑन में, वो पोस्ट के साथ काफ़ी अच्छा था। ये कस्टम है तो इसके आर पार भी आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। ये है भोलेनाथ जी का आइडल, छोटा वाला, स्मॉल आइडल, बिग आइडल्स भी है जो कि वेल डिटेल्ड रहती है। ये भी डिटेल्ड है, वो हाईली डिटेल्ड रहती है। एंड महिषासुर मर्दिनी माता जी यहाँ पे, ये देखिए, तो ये छोटी सी आइडल भी काफ़ी अच्छी। वेल अभी जो मैं आइडल स्पॉन करने वाला हूँ, महादेवी, ये आपने TMBOC के जो मैंने एपिसोड्स बनाए थे ना नवरात्रि वाला, ये उसमें आपने देखा होगा ये माता जी का आइडल, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए तो ये आइडल वहाँ पे भी मैंने यूज़ किया था वेल। एंड और मैं बताऊँ तो महागणपति आया इसमें, फिर पिल्लर है, इसका भी आप यूज़ करके पूरा मंडप बना सकते हो, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको लेटर ऑन। ये देखिए ये यहाँ पे भी मैंने गणपति बप्पा और भी स्पॉन कर दिए हैं, ठीक है। चलिए एक और है वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये तो हमने खैर देख ही लिया, एक और गणपति बप्पा है जो वेल पिछले एड ऑन में भी थे मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है। ये रहे गणेश सिर्फ लिखा है ना, लेट अस चेक, चलो देख लेते हैं अपन एक बार स्पॉन करके, फिर अब आइडिया आ जाएगा गाइस। ये चलो यहाँ से तो ये भी है। तो गाइस इस एड ऑन में इतनी सारी छोटी स्मॉल आइडल से, वेल ये जो पिल्लर है ना इसका आप यूज़ पूरा पंडाल बनाने में कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वो अप वाला है इसका यूज़ किया भगवान की प्रतिमाएं को रखने के लिए, यहाँ पे स्थापित करने के लिए। तो मैंने एक छोटा सा पंडाल भी साइड में बनाया, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। एंड वेल गाइस बता दूँ कि ये एक ही एड ऑन में है, ये आपको मैं बताने के लिए नीचे जा रहा हूँ स्पॉन वाले एग में, कोई अलग से मैंने नहीं डाला। ये देखिए ये लाल बागचा राजा जो रिसेंट वाला था, फिर ये बप्पा, तो ये सेम एड ऑन है बाय MS गेमिंग, ठीक है, उसमें ही आता है। और एक चीज़ गाइज, अगर आपका नहीं हो रहा है 1.18 प्लस है, तो ये देखिए ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है सब एक्टिवेट होनी चाहिए, जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, वाइल्ड अपडेट, ग्रीम गेम फ्रेमवर्क वाला सब। तो यहाँ पे बाजू में एक पंडाल बना है, देखिए पिल्लर का यूज़ करके, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया। तो इसमें पिल्लर दिया गया है आप डाउन एंड मिडल वाला, तो उसको आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है गाइस। तो वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। वेल यहाँ पे मैंने नीचे कारपेट नहीं बिछाया, अगर कारपेट हम बिछा देंगे ना तो काफ़ी अच्छा लुक हो जाएगा और भी, तो रेड कारपेट मेरे ख्याल से यहाँ पर सही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कारपेट भी डाल दे रहा हूँ।
जिससे एकदम बहुत ही बढ़िया हो जाए यहाँ पे व्यू। और बाकी आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ऐड ऑन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ मेन चीज़ तो रहती है वो है आइडल, बाकी जो डेकोरेशन वगैरह है वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप क्या डेकोरेट कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। तो यस, ये यहाँ पे चलिए मैंने कारपेट लगा दिया। अभी लुक देखिए और पहले का लुक देखिए, काफ़ी डिफरेंट हो गया है। ऊपर मैंने मॉस ब्लॉक का यूज़ किया है, सबसे पहले पिल्लर डाउन, फिर ये जो पिल्लर मिडिल पोर्शन वाला ये, एंड देन पिल्लर आप ये देखिए, पूरा स्तंभ बन गया, पूरा पिल्लर बन गया। अपन माइनक्राफ्ट में पिल्लर ब्लॉक आता है जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे एड ऑन में ये चीज़ है, ठीक है। तो होप्स आप सबको ये समझ आया होगा गाइज कि इसका भी यूज़ क्या है, साथ में आप क्या क्या इससे बना सकते हो। वेल गाइज, आप लोग अगर चैनल पे नए हो देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वी आर क्रिएटिविटी को, सब्सक्राइब करो यार, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1.18 प्लस है अगर आपका गेम वर्जन, देन ओनली ये स्मॉल आइडल्स आप में चलेगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।